हाय गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। लैंग्वेज इसमें कन्नड़ा और इंग्लिश दो लैंग्वेज कंपलसरी आना चाहिए, नहीं तो दोनों में से कोई से भी एक लैंग्वेज कंपलसरी कैंडिडेट्स को आना चाहिए। अच्छा, जॉब का पूरा अपडेट देने से पहले एक हल्की सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना कभी ना भूलें और वीडियो अपने शेयर फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके जॉब के बारे में। तो गाइस, ये होने वाला है प्रमोशन वर्क, प्रमोटर वर्क फॉर इलेक्ट्रिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे लाइक गीजर हो गया, लाइक जैसे फ्रिज हो गया, लाइक टीवी हो गया, उसमें जो है स्टोर्स रहता, बड़ा बड़ा स्टोर्स रहता, हाइपर मार्केट रहता है, उसमें प्रमोट कर रहा रहता है, प्रमोशन का काम मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस डाला हुआ है। वो थोड़ा हटके है, डिफरेंस है, वो फूड को लेके, फूड प्रोडक्ट है, ये जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रहता है, इसमें सेलिंग रहता है, सेल करना रहता है, सेल्समैन जैसा अंदर में, स्टोर के अंदर में, बड़ा हाइपर मार्केट सुपर मार्केट, आपको करना क्या रहेगा कि जो है स्टोर में अंदर खड़ा रहना रहता है, प्रोडक्ट कस्टमर आता तो उसको वेलकम करके वो प्रोडक्ट के बारे में बताना रहता है, उसको जो उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहता है, बस उतना ही काम रहता है। टाइमिंग रहता है इसमें 9 बजे से लगाकर शाम के 5-5:30 बजे लास्ट रहता है। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर रिक्वायरमेंट चल रहा है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। सैलरी इसमें रहती है 18 to 20 यस, 18,000 से लगाकर 20,000 तक सैलरी रहती है इसमें। मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए इसमें, मिनिमम 6 महीना 1 साल वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में काम किया हो या फिर उसको कुछ नॉलेज हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, वही बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा सैलरी रहता है, हाई सैलरी रहता है, इसलिए कंपनी जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगती है इसमें। तो अगर आप हिंदी वाले हैं या फिर अगर आपको इंग्लिश आता है, हिंदी के साथ इंग्लिश या फिर कन्नड़ा के साथ इंग्लिश या फिर कन्नड़ा हिंदी, जो भी है एक लैंग्वेज पर्टिकुलर आना चाहिए इसमें, आपको दो लैंग्वेज रहता है, सैलरी जो है 18 से 20 जाता है इसमें, डिपेंड ऑन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर। कंपनी आपका F2F इंटरव्यू लेती है फेस टू फेस, उसमें सैलरी आपको सामने ही डिक्लेयर कर दी जाती है। वीकली एक वीक ऑफ मिलती है, जो संडे संडे रहती है, एवरी संडे आपको वीक ऑफ मिलती है। 26 डेज वर्किंग डेज रहता है, 26 दिन आपको काम करना रहता है, 26 दिन का सैलरी आपको 18 से 20 हज़ार कंपनी देती है। लोकेशन ऑल ओवर बेंगलोर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये हाई प्रोफाइल जॉब है, इसमें जो है कंपनी अपनी तरफ से रूम, खाना पीना ऐसी कौन सी भी फैसिलिटी नहीं देती है, रूम आपका ही रहता है इसमें। तो जो कैंडिडेट्स लोकल से है या फिर जो बंदा ऑलरेडी बेंगलोर में रह रहा है या फिर जो करना चाहता है, वो बंदा अपना ही जो है फैसिलिटी के हिसाब से मुझे फ़ोन करें या फिर अपना रेज्यूम शेयर करें। और गाइस, रेज्यूम शेयर करके आप जब भी जो है कॉन्टेक्ट करते हैं मुझे, तो आप उस जॉब का, उस वीडियो का या उस काम का पूरा डिटेल्स या फिर थोड़ा सा डिटेल्स, कि जैसे हो गया कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है वीडियो देखा था, मैं उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मेरा ये सीवी है या फिर मेरा ये रेज्यूम है, उसके अकॉर्डिंग टाइप करके भेजे ताकि आप कन्फ्यूजन में न रहें, मैं भी कन्फ्यूजन में रहूँ। तो रहता ये कि काफ़ी कैंडिडेट्स का जो है रेज्यूम आता है, कॉल्स आता है, वही पूछता है सर आपके पास कौन सा जॉब है, दे दीजिए। तो एक दो जॉब तो है नहीं कि हम लोग उसको जो एक्सप्लेन करने जो है उसके सामने जाए, ताकि उसमें क्या रहता है कि पीछे वाले कैंडिडेट्स का जो कॉल आता है वो वेटिंग में चला जाता है, लंबी टॉकिंग चलती है कि कैंडिडेट्स के साथ अगर 10-15 मिनट टॉकिंग चला तो जो है दिन में 3-4 कैंडिडेट से ही बात हो पाती है। तो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा, आप जब भी जो है वीडियो देखें तो उस पूरा वीडियो को इन्फॉर्मेशन लास्ट तक देखें, एंड तक देखें कि इसमें सैलरी कितना बोला गया है, टाइमिंग कितना बोला गया है और काम क्या रहा है रहता है। तो वो देखने के बाद ही, अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको वो चीज़ में एक्सपीरियंस है और आपने पहले किया है, तब तो जाके आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर रिज्यूम भेज सकते हैं, चाहे कौन सा भी वीडियो क्यों ना हो, चाहे कौन सा भी जॉब क्यों ना हो, आप कॉल करके डायरेक्ट कभी जो है सर आपके पास कौन सा अवेलेबल जॉब है या नहीं है, ये सब नहीं पूछे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो।
और गाइस दूसरी बात ये कि आप हर बंदा कॉल करके कभी कभी यही पूछता है कि यार फ्री का क्या, सब क्या सर आप चार्ज लेते हैं क्या? मेरा भाई मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हम लोगों की कंपनी की तरफ से जितनी भी जॉब्स आती है सारे के सारे फ्री रहती है। हम लोगों की तरफ से आपके पास से ज्वाइनिंग फीस के नाम से, ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम से एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। अगेन फ्री जॉब्स रहती है। कई कई जॉब्स में जो है रूम फैसिलिटीज रहता है, किसी जॉब में जो है आपका रूम होना पड़ता है, जिस जॉब में आपका रूम रहेगा उसमें हाई सैलरी रहेगी, जिसमें कंपनी जो है रूम वगैरह फैसिलिटी देगी उसमें लो सैलरी रहेगी। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है हम लोग ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर देते हैं। तो गाइस एक और अच्छी जॉब है ये आपके लिए, जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा हम लोगों को रेज्यूम शेयर करे, पहले अपना बायोडाटा अपना सीवी शेयर करे, आफ्टर देन हम लोगों से कॉन्टेक्ट करे। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है और लॉन्ग टाइम चलने वाली जॉब है, परमानेंट जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये। तो गाइस आपके लिए एक और अच्छी जॉब लेकर हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।